Iqbal ji, leading on from that question, why did the Nehru Gandhis and the Congress target six? मैं जसपी जी, आप जो ध्यान ले आना है कि पंजाब एक देश सी और हिंदुस्तान भी एक देश। हिंदुस्तान के उत्ते अंग्रेजा का कब्जा सी, पंजाब के उत्ते खालसा राज सी। 1849 के जदों इन्होंने अंग्रेजा ने पंजाब के उत्ते कब्जा किया ते उदों एक एग्रीमेंट भी होया सी। वो एग्रीमेंट उन्होंने ऑनर नहीं किया, वो सिख कौम नू खत्म करना चाहते सी। ये उन्होंने पॉलिसी सी, वो चाहते सी कि विद इन 25 ईयर्स असी सिखा नू माझे दे विचों खत्म कर देना है। ये जिहड़े दाढ़ी केसां वाले सिख है इन्हां दीआं फोटोआं केवल म्यूजियम दे विच लभणगीआं, बाकी सारे क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट हो जाएंगे। उन्होंने उहदे लई उद्यम भी किया, दो फैमिलीज अंग्रेज नाल लड़ियां है या मुगलां नाल लड़ियां सब तों अगे होके। एक तां शुकर चकीए महाराजा रणजीत सिंह दा परिवार ते दूजा आलोवाली है। लेकिन अंग्रेजा ने दोवां दे फरजंद जिहड़े बच्चे सी ओह कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी च लै गए। महाराजा दलीप सिंह कन्वर्ट होए, हरनाम सिंह आलोवालिया कन्वर्ट होया। इस लैवल तक कन्वर्शन की गल चल रही सी। सो गुरद्वारियां नूं भ्रिष्टाचार के अड्डे बना दिता और सिखां ने इहदे बारे खड़े होए ते SGPC दे विच जिहड़ी अज सानूं नजर आउंदी है इह गुरद्वारा सुधार लहर दा हिस्सा। उहदे विच सिख पीसफुल जाके पुलिस दे अगे जांदे सी, पुलिस वाले उहनां ते लाठी डंडे चलाउंदे सीगे, गोलियां भी चलदियां सी, उहनां चों कुछ मरदे सी। लेकिन पुरअमन सिख उहनां दे खिलाफ कोई गल नहीं सी करदे। नो फिजिकल हार्म वाज कॉज टू एनी पुलिस अफसर बाय द पुलिस। सो इह गल्लां वेख के जदों SGPC बन गई, अंग्रेजां नूं झुकना पिया, ते जिहड़े सिख लीडर सी उस वेले दे, मास्टर तारा सिंह जी, बाबा खड़क सिंह जी ते होर, उन्होंने कांग्रेस नूं समझिया कि यह देश की आजादी लई काम कर रहे हैं, असी इस पार्टी नूं ज्वाइन करते हैं। सो पोलिटिकली वो अलायन हो गए कांग्रेस नाल, रिलीजियसली SGPC वक्री रही ते अकाली दल वक्रा चलता रहा। लेकिन जदों 1929 दे विच मोती लाल नहरू रिपोर्ट बनी, मोती लाल नहरू रिपोर्ट ने देश की आजादी का खरड़ा पेश होया किवें चलेगा, ते अंग्रेज ने तां थ्री नेशन फार्मूला मन्ने, मुसलमान सिख ते हिंदू जिहड़े इस बड़े देश दे ये तीन वारिस सीगे उस वेले। लेकिन अंग्रेज इन्हां ने मोती लाल नहरू जी ने कहा कि उहनां दी जिहड़ी रिपोर्ट बनी कि हिंद सिखां लई कोई विशेष अधिकार नहीं होएगा, उस विशेष अधिकार दे नाल ना होण करके सिखां ने रिजेंटमेंट कीती, शो कीती। इस गल दा मुद्दा उठाया गया। सो महात्मा गांधी खास करके कहिंदे सी कि असीं सिखां दे नाल मिलके चलांगे। नहरू जी ने तां इह गल भी आखी कि उत्तरी भारत विच इक अजिहा खिता बनाता जाएगा जिहदे विच सिख आजादी दा निग माण सकणगे। निग दा मतलब है दे कैन इंजॉय द ग्लो ऑफ फ्रीडम, वी विल क्रिएट एन एरिया इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। सो ओह गल जिहड़ी है नॉर्थ इंडिया वाली उसे कागजात च रह गई, लेकिन ओदी लिखत कोई नहीं सी, इट्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। उहना उस तो बाद ज्यों ही आजादी शुरू हुई पंजाबी बोली दे वास्ते, उदो भारतीय जनसंघ नां दी पार्टी 1951 च बनती। लेकिन सिखां ने तां 1950 दे विच कॉन्स्टिट्यूशन ते दस्तखत करन तों नां कर दित्ती, और अज तक ओह नुमाइंदिआं दे दस्तखत नहीं हैगे कि असीं इस कॉन्स्टिट्यूशन नूं मंनदे, क्योंकि 1950 दा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। उहदा कारण की सी कि वह जिहड़ी विशेष खिता बनाने की गल सी, पंजाबी बोली नूं प्रमोट करन की गल सी, वह उहदे विच कॉन्स्टिट्यूशन च है नहीं सी, जिस करके सिखां ने दस्तखत नहीं कीते। दिस इज हाउ कांग्रेस बिट्रेड दी सिक्स एंड स्टार्टेड टेकिंग हार्श एक्शन अगेंस्ट दी सिक्स। सिखां नूं कई वारी जिहड़ा उहनां तों बाद कुट मार करनी, जेल पैना, पंजाबी बोली लई एजीटेशन, अपनी मात भाषा लई एजीटेशन करनी पई, उस तो बाद पंजाबी सूबे लई एजुटेशन करनी पई, जदों कि भारत की वंड सारी जिहड़े आ देश है वह भाषा दे आधारित इन्होंने सूबे बंडे आ। गुजरात गुजराती भाषा वाले आ, मराठी वाले महाराष्ट्र हैगे आ, तमिल भाषा वाले तमिलनाडु है जिहदा नाम ही तमिल देश है, ते पंजाबी भाषा वाला जिहड़ा सूबा वह क्यों ना बने। इस करके एजुटेशन पंजाबी कर रहे सीगे जिहदे अगे सिख लगे हुए सी। लेकिन पंजाब भी उन्होंने इस ढंग नाल वंडिया
कि ना तो राजधानी दी ना पंजाबी बोलते इलाके दिते, करनाल तो अगे तक पुराना पंजाब है और वो सारा अज हरियाणे का हिस्सा। उस तो बाद जो सा है चंडीगढ़ कैपिटल ले लिया, भाखड़ा नहर पानिया के मसले, ये सारे मसले रह गए। इस करके जरा बाद भी धर्मयुद्ध मोर्चा लगा वह इस एजुटेशन वास्ते लगा कि पंजाब के जेडे हक है वह सानू दिते जान। और मैं जिमें पहला कहा कि ये जंप किया फिर बेइंसाफी के खिलाफ लोगों ने, जो इंसाफ नहीं मिलिया तो निरंकारी मर्डर होया। और उस तो बाद जेडे पहले 78 वाले केस सी उहदी अपील नहीं हुई। दैन जिहड़े विरोधी हैगे आ ISI भी धर्मयुद्ध मोर्चे तो बाद डायरैक्टली जिहड़ी है इहदे विच इनवॉल्व हो गई, तां कि दुश्मन दा दुश्मन दोस्त। जी जी नमस्ते, We hope you enjoyed this Chitti Media content. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavaad. Namaskar.